अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो मेरे साथ है आज राफे, और राफे ने फाइनली निकर पहन ली है। पहले राफे बहुत ज्यादा शर्माता था निकर पहनते हुए, लेकिन अभी भी ये शॉर्ट्स नहीं है, ये 3/4 ने पहनी हुई है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्यों शर्माते थे आप शॉर्ट्स? मैं शॉर्ट्स पहनते हुए शर्माता नहीं था, वो आपको लगता था कि मैं शर्माता हूं। आप सारा फोकस मेरी शॉर्ट्स पे डालते थे, इसलिए मैं शर्माता था। अभी भी तो फोकस आपकी शॉर्ट्स पे ही है, अभी आप नहीं शर्मा रहे। उन्होंने नमाज पढ़नी है, अभी हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर। उन्होंने कहा निकल जाओ यहाँ से, तो हम सारे यहाँ से निकल रहे हैं। अच्छा मुस्तफा, आपसे एक क्वेश्चन है। अभी खबर आई है कि नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे दिया है, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है ये बताओ जरा। मुझे नहीं पता। इसको पता है, ये बताना नहीं चाहता, राज की बात है। वो कहता है मैं अपने दिल में रखूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। नहीं उठाओ, नहीं उठाओ, रख दो, कमर में दर्द शुरू हो जाएगी। निकालें हम हर उस कहां कहां पानी फेंके, कहां कहां पानी मुस्तफा के ऊपर पानी फेंके उसने। बेटे किधर किधर पानी फेंके बताओ, कौन कौन सी जगह गंदी की है बताओ। पीछे कहां? हाँ, नहीं नहीं नीचे जमीन पे। ओ ये तो पूरी शर्ट गीली हो गई है। आपने कितना फेंका है राफे भाई के ऊपर? उनके ऊपर बहुत कम गिरे, उनके यहाँ पर गिरे और यहाँ पर हल्के हल्के कतरे गिरे और पीछे। तो जगह कौन कौन सी गंदी की है घर के अंदर? गरम पोर्च। शेम ऑन ऑल थ्री ऑफ यू। मुस्तफा मुझे लग रहा है कि आपका जो पेट है ना, वो पकौड़े खा के मोटा हो गया है ना, ये फूला फूला लग रहा है, जरा साइड से दिखाना। हाँ लेकिन बाजू पतले ही हैं आपके, पेट दिखा रहा है मुझे। बाबा मेरा पेट देखें, हालांकि पेट उतना ही है, पेट को फुला फुला के सांस अंदर भर भर के मुझे दिखा रहा है, क्योंकि इसने कल रखना है रोज़ा। मुझे कह रहा है मैंने रोज़ा रखना है, और मैं इसको कह रहा हूँ नहीं, यू कांट रखिंग द रोज़ा। आपने इजाज़त दे दी? नहीं बस मैंने ऐसे ही इजाज़त दी थी। आप रोज़ा ना सुबह अलमारी में रख लेना, वैसे ना रखना। तो दादा बू भी बैठे हुए हैं, दादा बू मना कर रहे हैं कि रोज़ा नहीं रखना। बाबू मैं रोज़ा रखूँगा ना, मेरे अंदर हिम्मत है तो मैं रखूँगा। दादाबू ने कह दिया हिम्मत नहीं है इसलिए नहीं रखना। यस अभी मना कर देता हूँ मैं। आपने दादाबू कह रहे हैं कि तीन रख लिए ना। नहीं 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 आठ से भी ज्यादा रखे हैं। पहले 10 कहते थे, अब 8 कह रहे हो। उसको क्यों तंग कर रहे हो भाई? मैं उसको ऐसे ऐसे जबान क्यों निकाल रहे हो, शर्माते क्यों? तुम्हारे कान में भी करूंगा मैं, अब तुम्हारे कान में भी करूंगा। हाँ अब करो। ओए दंदी काट ली भाई। तापू इधर गया। ये हैं ये पीछे इधर आओ। ये रोता रोता क्यों भागा? वो देखें वो। कम हियर। अब हंस रहा है। कम हियर। ही स्माइलिंग नाउ। अपनी दफा कान में पप्पी कहता है, भाग जाता है। अब मैंने पकड़ लिया, मैंने कान में पप्पी किया तो रोना शुरू हो गया था। बेटे क्या कर रहे हो? राफे बेटा कह रहे कमोड पे बैठा। वो कह रहे कुछ भी नहीं कह रहा। वो नहीं, वो कह रहे कमोड पे बैठा। और ये सारा बेड किसने खराब किया हुआ है? रुके ये क्या कैमरा देख रही आ रहा है नजर? ये देख लकड़ी लगी है। माशाल्लाह मेरे जितना हो गया है तकरीबन नीचे। अच्छा फ्लैट है, फुट एकदम ऊपर कैसे हो जाते? ऊपर नहीं, तकरीबन आपके जितना ही हो गया। अच्छा पीछे से आपने ये उठाई नहीं है? नहीं उठाई नहीं एड़ियां आपने। क्या हो गया, एड़ियां नहीं उठाई नहीं? नीचे हो ना, सही तरह खड़े हो, सही तरह खड़े हो। नहीं ऐसे अलमारी नहीं, इस तरह इधर इधर ऐसे खड़े, ऐसे नहीं सही तरह खड़े हो। सही तरह पीछे से उठाई नहीं आपने? नहीं उठाई हुई, उठाई हुई है। माशाल्लाह आप क्या कर रहे हो बेटे? ना करो ये टूट जाएगा व्हाइट बोर्ड। मुस्तफा कहा है, मैं मुस्तफा को ढूंढ रहा हूँ, वो भागा है पपियां करके। आए मुस्तफा नीचे। अम्मी के कमरे में वही सूरत हाल है। वही लाइट तो ऑन हो गई ये वाली जी। ये किसने ऑन की है? ऐसे ऑन यार, ये तो फ्यूज हो गया था, ऑन कैसे हुआ? नया लगवाया? बताओ ये नया लगवाया? नहीं ये खुद ही ऑन हो गया था। मुझे पक्का यकीन है, पक्का यकीन है, इधर जिन रहते हैं इस घर के अंदर। जिन है ऐसे ही है ना? नहीं जिन नहीं है। ये जिन नहीं है, ये जिन है ना? जिन मैं, ये बड़ा जिन है, वो दरमियान वाला जिन है, छोटा जिन बाहर बैठा हुआ है। वो नाराज है, रो नहीं रहा, वो वैसे ही नाराज हुआ है। वो मेरे कान में हर वक्त पप्पा करता रहता है। मैंने दूध लेना है बेटे, फिर आपने दूध डालना है। मैं जब उसके कान में पप्पा करता हूँ तो फिर वो नाराज हो जाता है। अभी मैंने उसको पकड़ के पप्पा कर लिया, 3 पप्पे कर लिए, और गीली पप्पी की उसने मेरे कान में। मुझे आप ये बताएं कि मैं ना करता, इसलिए अब वो अपने दादाबू के पास नाराज होकर बैठा हुआ। अभी जब दादाबू के पास से उठेगा फिर काबू करूंगा उसको। तो गाइस हम आ गए हैं किचन में, अभी हमने दूध निकालना है। दूध मेरे ख्याल में फ्रीज हुआ है, जरा मुझे चेक कराओ।
यस इट इज फ्रोजन। और उधर जाके वो डीप फ्रीजर में चेक करो, वहां पे दूध पड़ा हुआ है। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि कहते हैं। हाँ बताओ तुम मुझे चीज। अब मैं अगर इस तरह खड़ा हो गया ना तो ये देखो कैमरा भी चला गया कहीं और। मैं नहीं खड़ा हो रहा। आप उस तरह खड़े हो रहे हो, ये देखो ऐसे खड़े हो रहे हो। अब ऐसे मैं खड़ा हूँ तो फिर अपना साइज देखो। नहीं पड़ा। चलो ठीक है। अब ये फ्रोजन है तो इसको हमें डीफ्रॉस्ट करना पड़ेगा। डीफ्रॉस्ट ओके। अब इस पे तकरीबन आधा घंटा लग जाना है क्योंकि मैंने इसकी मलाई भी उतारनी है और इसको जग्स में भी डालना है। फंस गया हूँ मैं आया था बेसिकली अपनी चाय बनाने के लिए, तो मेरी चाय के लिए ये दूध बहुत ज्यादा है। एक कप इसमें से आराम से निकल आना था, बच भी जाना था, लेकिन इन्होंने दूध पीना है तो वासे और मुस्तफा के लिए अब यहाँ से निकालना पड़ेगा। मिस्टर अब्दुल वासे आपका दूध मैंने मग में डाल दिया। अच्छा मैंने अभी तो नहीं पीना, मैंने जग खाली करना था ना इसलिए डाला है। आप रख लो फिर उसको फ्रिज में रख लो। तो गैस मज़र तकरीबन 10 o'clock चला जाता है तो उसके बाद सारा काम मेरा ही होता है। बच्चों को दूध वूध गर्म करके देना होता है। प्रॉब्लम ये होता है रात को कि ये दूध जो है ना ये फ्रीज हुआ होता है, इसको थोड़ा सा गर्म करके, मतलब गर्म नहीं ये है कि इसकी हल्की हल्की बर्फ़ पिघल जाए, इसकी बर्फ़ में फिर किसी और छोटी पतीली में डाल देता हूँ, उसको मैं रख देता हूँ साइड पर ताकि उसकी बर्फ़ पिघल जाए। फिर जब उसकी बर्फ़ पिघलती है उसके ऊपर से मलाई उतारता हूँ, मलाई उतार के मलाई वाले डब्बे में रखता हूँ क्योंकि 2-3 दिन की जो हमारी मलाई होती है फिर उसका मक्खन निकालना होता है। वैसे भी कह रहे हो बाकी में वो डरते होंगे ना आप। बंद नहीं, इसको ऐसे बंद ना करो बेटे, घुमा के बंद करो। तो ये वाला जग जो है ये धुला पड़ा हुआ है, इसके अंदर हम दूध डालेंगे और ये वाला जो जग है ये अभी धोने वाला है। इज योर दूध फुल गर्म होइंग? जी। तो फुल गर्म होएंगे दूध किस तरह पीएंगे? आइए तो आपसे पिया ही नहीं जाएगा। ये मैं ठंडा करके पीऊंगा, बर्फ डालूंगा अंदर। तो फिर गर्म क्यों किया? क्योंकि टेस्ट बनता है ठंडे में, ओवल्टीन मिक्स नहीं होता। आपको कुछ समझ आया? टेस्ट बनता है ठंडे में, ओवल्टीन मिक्स नहीं होता। तो आप शेक कर लो उसको। नहीं शेक से वो फिर बड़े ग्लास में डालना पड़ेगा। शेक से वो फिर बड़े ग्लास में डालना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आया तीनों बातों की। आपको आइए तो मुझे समझा दें। ले गाइस ये देखें, ये दूध हो गया है अब सही, हालांकि इसमें बर्फ़ जमी हुई है। इसको मैंने ज़्यादा गर्म नहीं किया वरना ये सारा येलो येलो हो जाना था और सारी मलाई पिघल जानी थी। वैसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा हो भी गया येलो। तो अब इसकी मलाई निकालेंगे, बर्फ़ निकालेंगे, इसको अलहदा अलहदा करेंगे। चलें जी शिफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बर्फ़ है आपको नज़र आएगी, ये देखें साथ में मलाई है और साथ में बर्फ़ है। इसको हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। अच्छा मुझे लग रहा था ज़्यादा होगी बर्फ़, बट बर्फ़ इतनी ज़्यादा नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने ज़्यादा गर्म कर दिया। गर्म तो खैर इतना हुआ नहीं यार, फिर भी ये आई थॉट के काफ़ी मोटी होगी तय बर्फ़ की, बट नहीं यार इसकी मलाई ना पिघल गई है, अंदर चली गई है इसके। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना मज़र ने इसकी मलाई ऑलरेडी उतार ली थी, तो अब मैंने इसकी जो थोड़ी बहुत मलाई थी वो इस मलाई वाले डब्बे में डाल दी है। और बस अब मैं जो है ना वो पोनी के साथ इसको पोन लूँगा, बाकी जो मलाई निकलेगी ना वो पोनी के अंदर निकलेगी, फिर वो डब्बे में डाल देंगे। तो गैस दूध हमने निकाल लिया इस जग में और इस जग में। ये देखें ये थोड़ा येलो येलो हो गया क्योंकि मलाई हल्की सी पिघल गई है, लेकिन बाकी मलाई जो है ना मुझे लग रहा है कि मज़र ने सारी निकाल ली है, तो दैट्स गुड इनफ। वासे साहब ने तो दूध पी लिया है, मुस्तफ़ा के लिए अब मुझे दूध निकालना है। ये हम अब डालेंगे मुस्तफ़ा के लिए। और मुझे इस चक्कर में पता ही नहीं चला मेरी चाय यहाँ पे बड़ी बड़ी ठंडी हो गई है, गर्म करनी पड़ेगी यार। मुस्तफ़ा के साथ लड़ाई हुए हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं। उसका दूध मैंने मग में डाल दिया, अभी उसको बुलाऊंगा, उसका रिएक्शन देखिएगा कैसा। मुस्तफ़ा ये अपना दूध ले लो। ये मेरे साथ लड़ाई हुई हुई है इनकी। लड़ाई हुई हुई है ना? नहीं तो वो कह रहे हैं दोस्ती हो गई है। व्लॉग में नहीं आ रहे थे आप? नहीं वो मैं अंदर बैठा हुआ था। अंदर बैठे हुए थे जी। तो दादा बाबू के साथ क्यों बैठे हुए थे? लड़ाई हुई हुई थी, अब व्लॉग में कह रहे हो नहीं हुई हुई है। मेरा बच्चा है, मैं दूध ओवल्टीन मेरे से लाइयां ना किया करो, वो पढ़ा दो ओवल्टीन। तो गाइस अभी मैं कमरे में आ गया हूँ काम शाम कर कर के। तो बहुत सारे लोग समझ रहे हैं मेरे व्लॉग्स देख के, पिछले 3-4 व्लॉग्स मेरे लोगों ने देखे हैं, तो वही समझ रहे हैं कि मैंने वुमेन लड़कियों को बोला है कि शायद वो ग्रीडी होती हैं। 10-12 मिनट का व्लॉग होता है और मुझे पता चल रहा होता है कि एवरेज टाइम क्या है व्लॉग का, 4 से 6 मिनट का आप व्लॉग देखते हो। अब जब आप 4 से 6 मिनट का व्लॉग देखोगे 10 से 12 मिनट के व्लॉग में से, तो ऑब्वियसली आपको पूरी बात की समझ नहीं आएगी, आप आधी बात देख रहे हो, आधी बात नहीं देख रहे। मैंने तो लड़कियों को ग्रीडी कहा ही नहीं, मैंने तो ये कहा था कि हैं इस दुनिया में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं,
माँ बाप भी हो जाते हैं यार कई दफा। अब ये जितनी भी अरेंज मैरिजेस होती हैं इसमें क्या देखा जा रहा होता है, हसब नसब देखा जा रहा होता है एक दूसरे का, स्टेटस देखा जा रहा होता है एक दूसरे का। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटियां देख रहे होते हैं, जो जॉब्स करते हैं वो जॉब्स में ही ढूंढ रहे होते हैं। तो मोस्टली अरेंज मैरिजेस में तो कंपैटिबिलिटी होती नहीं ना, उसमें सिर्फ जो है ना वो स्टेटस देखा जा रहा होता है। बहुत कम होता है अरेंज मैरिजेस के अंदर जिसमें लड़के या लड़की का टैलेंट देखा जाता है, ग्रोथ देखी जाती है कि आगे ये लड़का या लड़की कितनी ग्रोथ कर सकता है, ब्रॉटअप देखा जाता है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अभी जो है ना वो पैसे को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो मैंने किसी लड़की को ग्रीडी नहीं बोला। आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि 4 से 6 मिनट का व्लॉग देख के अपनी राय ना कायम कर लिया करें, पूरा व्लॉग देख के फिर कॉमेंट किया करें। मैं आधा घंटा कमरे में बैठ के आया हूँ और अभी तक पंखा चल रहा है और आप लोग नीचे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग इतनी देर से? कुंडिया तो हमने लगा दी, हम तैयार हैं ऊपर आने के लिए, आप बस नीचे आने का वेट था फिर हमने ऊपर जाना था। तो गाइस रात बहुत हो गई है, 12 बजने वाली हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज फिर बाद में किया। आप साइड पे क्यों खड़े हो जाते हो, आप अल्लाह हाफिज नहीं करते? अल्लाह हाफिज करो सब्सक्राइबर्स को, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़ करो, करो बोलो अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बोलो, बाय बाय को, बाय बाय, बाय बाय हैं, बाय सही तरह बोलो, बाय 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 बाय।